मैयर के रिहा थाना अंतर्गत ग्राम नादन में एक तथाकथित बाबा ने तीन नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इसको लेकर नादन देहात थाने में FIR दर्ज कर आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। मैयर के ग्राम नादन में कथावाचक बाबा नारायण स्वरूप त्रिपाठी ने तीन सगी बहनों के साथ झाड़फूंक के बहाने उनसे दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़ित परिवार सुबह 11:30 बजे से लेकर रात्रि 7 बजे तक थाने परिसर में बैठा रहा, लेकिन किसी भी प्रकार से थाना प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामला जब SP के संज्ञान में आया तो SP रियाज इकबाल ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया। विभिन्न धाराओं सहित पॉस्को एक्ट में केस कायम किया और बाबा को अदालत में पेश कर सलाखों के पीछे भेज दिया। आरोपी पंडित ने कालसर्प दोष के पूजन करने के बहाने पीड़ित बहनों से दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस द्वारा आरोपी को एक दिन की रिमांड पर लिया गया है। हाँ, पुलिस द्वारा एक दिन की रिमांड मांगी गई है और आगे की फर्दर कार्रवाई के लिए रिमांड लिया गया है जी। तो जैसा आगे की योजना में आएगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस द्वारा कार्रवाई की तो सामने नहीं है, अभी वही एक मामला है जी जिसमें बाबा द्वारा जो कृत्य किया गया है उसके संबंध में योजना हम लोग कर रहे हैं, योजना पुलिस द्वारा की जा रही है जी। ये थाना नादन की घटना है। एक बाबा है, कथावाचक हैं, इनके द्वारा एक परिवार में जाकर वहाँ पर पूजा करने और कर्मकांड के बहाने उनके तीन बच्चियों के साथ दुष्कर्म का कोशिश की गई है, जिस पर से थाना नादन में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट SC ST के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।